ईमानदारी जीवन में अपनाए रहें तो उस ईमानदारी के सहारे हम लंबी मंजिल पार कर सकते हैं। भौतिकी दुनिया में दौड़ में पीछे जरूर रह जाएंगे, लेकिन आत्मशक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मबल जो ईमानदारी से आता है वो बेईमानी से नहीं आता। ईमानदार हैं, एक बार दुकान पर टांग दीजिए कि हम औरों की दुकान से हम महंगा बेचते हैं, और कीमत चाहे भले से एक रुपया ज़्यादा हो, यदि हम ईमानदार हैं, मिलावट नहीं करते, तो हमारी दुकान से ही ज़्यादा बिकेगा अपेक्षा उसके जो मिलावट की जाती है, स्वास्थ्य खराब किए जाते हैं और उन्हीं की दुकान से बिकता है। हम सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे बल्कि और महंगा बेच रहे हैं, स्वास्थ्यों को खराब कर रहे हैं। पर ईमानदारों की तुलना में बगैर ईमानदारी के कमाया हुआ धन वो बेकार होता है, बेकार होता है। एक उदाहरण है स्वामी नारायण का, जो सहजानंद एक दर्जी था और स्वामी नारायण एक संत हुए हैं। उस संत का वो अंगरखा सीना था, अंगरखा कहते हैं जहाँ गुजरात में पहना जाता है रात को, और उस भावनगर की तरफ पहनते हैं उसको काठियावाड़ी। पर एक राजा था, राजा ने ये कहा उस दर्जी से, दर्जी जब सिल करके लाया तो दर्जी से एक सवाल किया कि भाई ये बता, इतना सुंदर तुमने सिया है, सिला है इसको, क्या तुम और भी कोई अच्छा सिल सकते हो? तो उस दर्जी ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा देखिए मैं आपके, उन्होंने कहा कि हम पैसा तुमको ज्यादा देंगे, जितना तुम सुंदर सिलोगे उतने ही हम तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, उतना ही हम तुम्हें रुपया ज्यादा देंगे, तुम मांगोगे उससे अधिक देंगे, क्योंकि तुम्हारी सिलाई हमको पसंद आई। तो उसने कहा कि देखिए मैंने पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है, जिस तबीयत से मैंने इसको सिला है वही तबीयत मैं आपके में लगाऊंगा, आपका क्यों और इससे बढ़िया सिलूंगा, इसलिए कि मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं, पैसे की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, पर मैं अपना छोटापन मैं कहीं भी जाहिर नहीं कर सकता, मेरी ईमानदारी मेरे लिए और आपकी संपत्ति आपके लिए है, मैंने पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है। ईमानदारी सबको प्रिय होती है, और ईमानदारी का जीवन जो जिया जाता है, दूसरे अहंकार भले ही पैदा कर लें अपने लिए, लेकिन उनकी आत्मा मलिन हो जाती है और गिर जाती है एक सच्चाई के सामने, एक सच्चाई के सामने वो गिर जाता है। राम शास्त्री थे, एक राजा के यहाँ काम करते थे, तो रानियों ने सोचा कि ये जो राम शास्त्री हैं ये तो निर्धन है, इनके पास कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुम आते हो एक दिन, अपनी पत्नी को भेजना हमारे यहाँ। तो पत्नी उनकी गई, पत्नी गई और वहाँ जाकर के खड़ी गई, तो रानियों ने उसको आभूषण पहनाए और उसको सजा करके साड़ी पहनाई और डोली में बैठा दिया, डोली में बैठा दिया और वो अपने घर रवाना हो गई। कौन? राम शास्त्री की पत्नी। जब वो घर जाकर के पहुंची और कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो राम शास्त्री ने खोला, खोल करके जो उन्होंने देखा तो वह चक्के रह गए। उन्होंने कहा मेरी पत्नी, जिसको कि मैंने इतने संस्कार कूट कूट के इसमें संस्कार भरे थे, आज ये चकाचौंध में कैसे आ गई, कैसे विचलित हो गई और कैसे इसके अंदर लालच कहाँ से आ गया? वो हैरान हो गए और हैरान हो करके उन्होंने भीतर से किवाड़ लगा दी,
भीतर से किवाड़ लगा दी। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, भीतर से उत्तर मिला कि कौन है। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते, मैं आपकी पत्नी हूँ, दरवाजा खोलिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सजी धजी महिला मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी जो पत्नी थी वो तो फटे पुराने कपड़ों में थी, वो हीरा थी, उसकी उसमें चमक थी। ये तो हीरा नहीं है, ये कांच है, इसमें वो चमक कहाँ है? वो तेज, आत्मा का तेज कहाँ है? वो तो गिर गई और वो लालच में आ गई और मेरी पत्नी मर गई। उन्होंने कहा देव मैं मरी नहीं हूं, मैं विचलित जरूर हो गई थी। और उसने तभी कपड़े उतार दिए, सारा जेवर उतार दिया और जैसी पूर्व में गई थी वैसी उनके सामने उपस्थित हो गई। उपस्थित हो गई तो राम शास्त्री ने कहा कि देख जो हमारा आत्म संतोष था, जो हमारा पुरुषार्थ, जो हमारा कमाया हुआ था, उसमें हमें संतोष था, शांति थी, और इसमें इसमें तो हम दूसरे के सामने गिर गए, क्योंकि दूसरे ने हमको दिया है, हमारे स्वयं की कमाई नहीं है। उसको अपने कर्तव्य का भान हो गया, कर्तव्य का भान हो गया। इसी तरीके से द्रौपदी की साड़ी थी, जब चीरहरण हुआ तो उसने भगवान को